Zombie apocalypse. सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइज यार अभी आप लोगों के भाई मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमारा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, जब भी हम यहाँ पे क्लासिक रैंक या फिर भाई क्लैश कोड रैंक चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई हमारा गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। उधर पे दिखा रहा है सर्वर टाइम आउट MM7 कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। एंड गाइज कुछ बंदों के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई उनका गेम तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन भाई गेम के बीच में से एकदम से उनका गेम बैक हो रहा है, ऑटो बैक की प्रॉब्लम आ रही है उनको। एंड उधर पे दिखा रहा है सर्वर टाइम आउट। तो गाइज अगर आपके सामने भाई ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड हाँ गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर सेट कर दो, क्योंकि हम आपके लिए अपने फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो गाइस अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे मेरे को यहाँ पे सबसे पहला कमेंट मिला इस प्रॉब्लम के ऊपर कि भाई हमारा गेम ओपन नहीं हो रहा है, उधर पे सर्वर टाइम आउट दिखा रहा है, तो भाई मैंने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि भाई इसके नेट में प्रॉब्लम होगी एंड इसी एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी। बट गाइस बाद में मेरे पास बहुत ही सारे कमेंट्स आने लगे एंड भाई व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड से मेरे पास मैसेज किया कि भाई गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है, गेम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड उन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेजा तो उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस फाइनली मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं एंड आपको बताऊंगा कि भाई क्यों ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है एंड कब तक ये फिक्स हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो भाई जिन बंदों को नहीं पता कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, जिन बंदों ने अभी तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी है उनको मैं बता देता हूं कि भाई अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइस हो क्या रहा है कि जैसे अगर आप क्लासिक क्लैश कोड या फिर रैंक कुछ भी अगर आप मैच लगा रहे हो तो या तो आपकी मैच मेकिंग ही नहीं हो रही, एंड गाइस अगर आपकी मैच मेकिंग हो जा रही है तो मैच स्टार्ट होते ही आपको एकदम से उधर पे सर्वर टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है एंड आपका गेम ऑटो बैक हो रहा है। एंड गाइस काफी सारे बंदों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि गेम के बीच में से एकदम से उनको गेम से हटा दिया जा रहा है, एकदम से बैक हो रहा है उनका गेम। तो गाइस सबसे पहले तो भाई काफी सारे बंदे परेशान है कि भाई हमारी आईडी तो बैन नहीं हो गई ना, या फिर भाई हमारी आईडी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर हमारे डिवाइस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी सभी के सभी प्लेयर्स को फेस करनी पड़ रही है। एंड गाइस एक बंदे के नहीं मेरे पास ऐसे 300-400 कमेंट आ चुके हैं कि भाई सर्वर टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक सर्वर की ही प्रॉब्लम है, मतलब भाई फ्री फायर गेम के अंदर ही कुछ बग्स या फिर कुछ ग्लिचेस आए हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पे गेम स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंड आपको ये बात का पता ही होगा कि भाई जब भी अपने फ्री फायर के अंदर कोई न्यू अपडेट आता है तो उसके बाद भाई 10 से 15 दिन तक गेम के अंदर प्रॉब्लम्स चलती हैं, गेम के अंदर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, गेम के अंदर ऐसी सर्वर की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जब भी कोई न्यू अपडेट आता है। एंड आपको पता ही होगा कि भाई अभी जो है 2 दिन पहले अपना OB24 अपडेट आया था तो उसी के साथ साथ गाइस ये वाली प्रॉब्लम आ गई है एंड भाई फ्री फायर वाले इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप कि इसको जो है 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम सभी के सभी बंदों के साथ आ रही है। एंड भाई ये फ्री फायर के सर्वर की ही प्रॉब्लम है, ना आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है एंड ना आपकी आईडी बैन हुई है, ये सर्वर की प्रॉब्लम है। इसी वजह से उधर पे बार बार गेम सर्वर टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है एंड इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश कर रही है गरेना। एंड भाई हर बार जब अपडेट आता है तो यार ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है अपडेट के साथ साथ, तो ये कोई नई बात नहीं है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। तो बस गाइस यार आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि भाई ये एक सर्वर की प्रॉब्लम है एंड जो फ्री फायर के टेक्नीशियंस हैं वो भाई इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपका गेम ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक भाई कोई दूसरा गेम ट्राई कर लो एंड जहां तक मेरे को लगता है कि इसको 2 से 3 घंटे के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई जब भी ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो भाई 2 से 3 घंटे के अंदर फिक्स कर ही दी जाती है, तो भाई इसको भी फिक्स कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बस गाइस यार आज की इस वीडियो के लिए बस यही इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि गाइस यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि भाई हमारा गेम क्यों नहीं चल रहा है, गेम के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड गाइस अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो आपकी हेल्प की आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।